वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी टेस्टी एंड क्रिएटिव ट्रिक्स जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए पकाई स्पेशल की रेसिपी लाई हूँ, वाइट मीट कढ़ाई जी। तो ये हम मटन में भी बना सकते हैं और गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं, ऊँट के गोश्त में भी बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। तो चलिए आप जो है इन्ग्रीडियंट्स को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पहले तो हमें ये गोश्त, ये देख सकते हैं यहाँ की गोश है, ये गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है, और इसे मैंने थोड़ा सा उबाल भी दे दिया था, ठीक है। तो ये है वन केजी गोश्त है, और ये हैं 2 चम्मच वाइट पेपर और 2 टेबलस्पून नमक, और ये है दही 1 पाव, और ये हैं हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। इसको मैंने ग्लेंड कर लेना है, ठीक है, इसे हम ग्लेंड करके यूज़ करेंगे। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। तो चलिए हमारी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके की मेरी न्यू वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। तो चलिए हमारी रेसिपी की तरफ, तो मेरे साथ रहिए जी। तो मैंने पॉट को रख दिया है, अब हम इसमें जो है 2 चमचे ऑयल के ऐड करेंगे। अब हम इसमें लहसुन थोड़ा सा ऐड कर देंगे, खुशबू निकलने के बाद जो हम है जो है अपने गोश्त को ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। जी तो हमने इसे जो है भून लिया है 2 से 3 मिनट। अब हम जो है इसमें अपना दही ऐड करेंगे, जो स्पाइसेस थे इसमें नमक और जो है वाइट पेपर ही बस ऐड होगी, और कोई स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और जो साबुत हरे मिर्चे थे उसे मैंने लेके पीस लिया है, उसका हम पेस्ट ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 गिलास पानी डालकर ढककर हल्की आंच पर गोश्त गलने तक पकाएंगे जी। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर 2 घंटे के लिए पकाएंगे, जब तक गोश्त नहीं गल जाता जी। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो कढ़ाई है वो देखिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं जी। तो देखिए हमारी वाइट मटन कढ़ाई तैयार है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी वे में बनती है ये, कम इन्ग्रीडियंट्स में। तो आप भी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें हम थोड़ा सा जो है धनिया पुदीना गार्निश कर लेंगे। तो आप भी इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।